अपन देखेंगे वॉइस, है ना, टेंस के आगे अपन वॉइस देखेंगे। आपको मैं बता दूं कि कल जैसे मैंने पेपर सेट देखा था उसमें एक वाक्य दिया था, उस वाक्य के चार नेगेटिव थे। हमसे पूछा था कि इसका सही नेगेटिव क्या होगा, और वाक्य बहुत सरल था, अपने को प्रेजेंट सिंपल का वाक्य दिया था और उसके चार नेगेटिव बना के दिए। एक में सीधे नॉट लगा था, एक में डू नॉट लगा था, एक में डज नॉट लगा था, एक में क्या लगा था, डिड नॉट। डज नॉट वाला सही हो जाता। इसका मतलब यह है कि हमारे में इंग्लिश सरल भी आती। तो यदि अपन ने टेंस वाला सीख लिए, तो मैंने बताया भी था उस दिन आपको दो वाक्य लिख करके, इसका मतलब हमारे चार वाक्य जो बहुत, मतलब चार नंबर हमारे बहुत आसान जो है आ जाएंगे यदि आपने टेंस अच्छे सीख लिया। तो वॉइस के कम से कम एक क्वेश्चन, अधिक से अधिक दो क्वेश्चन आने के चांस है। वॉइस अपन ने पढ़ रखा दो प्रकार के होते हैं, छोटी कक्षाओं में अपन ने पढ़ रखा दो प्रकार के वॉइस होते हैं। एक होता है एक्टिव वॉइस, एक होता है एक्टिव वॉइस, और दूसरा होता है पैसिव वॉइस। एक होता है एक्टिव और एक होता है पैसिव, ठीक। अब जो एक्टिव वॉइस है वो क्या है और पैसिव वॉइस क्या है। एक्टिव वॉइस एक कर्ता प्रधान वाच्य होता है जिसको इस तरीके से लिखते हैं, सबसे पहले इसमें सब्जेक्ट लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखने के बाद इसमें हेल्पिंग वर्ब लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब लिखने के बाद इसमें मेन वर्ब लिखते हैं, और मेन वर्ब लिखने के बाद इसमें क्या लिखते हैं, ऑब्जेक्ट लिखते हैं। तो इसमें क्या हो गया, हाँ ये सब बात ही है, कर्नाटक है ये। तो यहां पर क्या होगा, एक्टिव वॉइस में ध्यान रखिएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट रहेगा, फिर हेल्पिंग वर्ब रहेगा, फिर मेन वर्ब रहेगा, फिर ऑब्जेक्ट रहेगा। इसके बाद जब हम क्या करते हैं, पैसिव बनाते हैं, तो पैसिव बनाते समय क्या होगा, हम क्या करते हैं, पहले ऑब्जेक्ट को लिखते हैं, ऑब्जेक्ट के बाद फिर हेल्पिंग वर्ब को लिखते हैं, हेल्पिंग वर्ब के बाद मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और फिर बाई के साथ हम लास्ट में क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट को चेंज करके लिखते हैं, ऐसा। तो एक्टिव वॉइस में सब्जेक्ट पहले रहेगा, ऑब्जेक्ट बाद में, और पैसिव वॉइस में ऑब्जेक्ट पहले रहता है, सब्जेक्ट बाद में। और हमें दोनों तरीके से दिया जा सकता है, एक्टिव देकर के पैसिव पूछा जा सकता है, और पैसिव देके एक्टिव पूछा जा सकता है, दोनों तरीके से हमसे पूछा जा सकता है, दोनों प्रकार के वाक्य आ चुके हैं, ठीक। अच्छा, अब जब एक्टिव से पैसिव हम चेंज करते हैं, एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन के दौरान कर्ता में परिवर्तन, कर्ता में परिवर्तन, जब हम एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन करते हैं, तो एक्टिव से पैसिव में परिवर्तन के दौरान हम कर्ता में क्या परिवर्तन करते हैं। तो कर्ता जो है कुछ इस प्रकार से परिवर्तित होता है, हम जानते हैं कि आई का क्या हो जाता है, मी, ही का क्या हो जाता है, हिम, शी का क्या हो जाता है, हर, दे का क्या हो जाता है, देम, वी का क्या हो जाता है, अस। जब कर्ता पीछे जाएगा तो आई का मी हो जाएगा, और जब सामने आएगा तो मी का वापस क्या हो जाएगा, आई। ही का हिम हो जाता है, हिम का ही, शी का हर हो जाता है, हर का शी, दे का देम हो जाता है, देम का दे, ऐसा, ठीक है, याद रखिएगा। इसी तरह से कुछ कर्ता ऐसे हैं जिनमें कोई चेंजिंग नहीं होती, जैसे यू का यू ही रहेगा, किसी वस्तु का जो नाम है वो नाम कभी नहीं बदलेगा। तो यहां पर आई, यू, वी, दे, ही, शी और किसी व्यक्ति का नाम और इट, ये इट में भी कोई चेंजिंग नहीं होती। तो इस तरह से जब हम एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, तो इस दौरान हम कहेंगे कि कर्ता में कोई भी परिवर्तन हमें देखने को, मतलब याद रखना, कोई भी परिवर्तन देखने को नहीं मिलता, जबकि कर्ता कौन से होते हैं अपने, ये। यदि सामने अपने को क्या दिया हुआ, सामने यदि अपने को यू दिया है, किसी व्यक्ति का नाम दिया, इट दिया, दे दे के पीछे जाके वही हो जाएगा, बट यदि ये करता है तो इनमें चेंजिंग आएगी, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस में हमेशा सब्जेक्ट रहेगा पहले, जो नॉर्मल वाक्य हमारे, सहायक क्रिया रहेगी, मुख्य क्रिया रहेगी और कर्म रहेगा। लेकिन जब हम क्या करते हैं, एक्टिव से हम पैसिव बनाते हैं, एक्टिव से हम पैसिव बनाते हैं,
तो याद रखिएगा उसमें हम क्या करते हैं, उसमें हम ऑब्जेक्ट को सामने लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट के हिसाब से हम हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं, फिर कोई अन्य वर्ड आता है तो उसको सेट करते हैं, अदरवाइज मेन वर्ब का थर्ड फॉर्म लगाते हैं, बाई के साथ लास्ट में सब्जेक्ट को चेंज करके लिख देते हैं। तो इस तरह से ये जो वॉइस है हम स्टार्ट करते हैं, ठीक।